कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी तो सीमापुरी है, उसको तो सीमापुरी बोलने से उसको पता भी नहीं है जो सीमापुरी कहाँ है। अब कम से कम ये देखो कि बेरोजगारी में पढ़ाई वाले बंदे पढ़े लिखे हुए हैं वो काम कर रहे हैं, ठेली वेली चला रहे हैं। हमारी तरफ से मोदी जी ही आने चाहिए, हम तो बीजेपी की तरफ से ही है और बीजेपी ही आनी चाहिए। केजरीवाल ने तो बहुत गंद मचा रखा है, खाली भाजपा का काम क्या है, सिर्फ बीजेपी का मिसलीडिंग करना लोगों को, बस और कुछ काम नहीं आता। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हर रोज़ की तरह अब समय हो चला है हमारे सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का, और किस्सा कुर्सी के आज प्रोग्राम में हम पहुंचे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा में, जहां पर हम जानेंगे कि मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार दोनों में कौन है किस पर भारी। और हमारे बीच में यहाँ की जनता है और जनता से सीधा जानेंगे कि अब की बार जनता किन मुद्दों को लेकर अपना वोट कास्ट करने जा रही है। तो कैमरा पर्सन से चाहूँगा वो थोड़ा हमारे पास आए और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक पेड़ है, इस पेड़ की छांव के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों से जानेंगे कि अब की बार मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार का जो ये एक युद्ध है, इस युद्ध में अब की बार कौन किस पर विजय प्राप्त करेगा और यहाँ की जनता किसको मतदान करके किसको सदन में भेजने जा रही है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अकरम। क्या लगता है सर, अब की बार मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार आपके सामने मैदान में उतरे हुए हैं तो किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट देने जा रहे हैं? जो विकास सही करेगा उसके लिए वोट दिया जाएगा। मनोज तिवारी कुछ नहीं करा आज तक यहाँ पर। अच्छा जी, ना आज तक झाँक के देखा है यहाँ पर। तो यहाँ के स्थान के क्या क्या स्थानीय क्या क्या मुद्दे रहे थे जी? नाले का समस्या है, पानी का समस्या है, ये सब समस्या सब दूर करेगा तो ठीक है। कन्हैया लाल ही सही है। कन्हैया लाल सही जी, यानी पिछली बार दो बार सांसद रहे हैं मनोज तिवारी, यहाँ से कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा आपके क्षेत्र में? नहीं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर मौजूद हैं सीमापुरी विधानसभा में और यहाँ पर मनोज तिवारी को लेकर पहली प्रतिक्रिया जो आई है वो हमने अपने दर्शकों के सामने चैनल के माध्यम से रखी। सर आपका क्या नाम है? नूर हसन खान। तो क्या लगता है सर अब की बार क्या मुद्दे रहने वाले, मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे वही जो पहले जो मुद्दा था, मुद्दा अभी भी वही रहेंगे जी। क्या रहेंगे? वही साफ सफाई का, झुग्गी झोपड़ी का, अपना स्थान का, नाले का, रास्ते का, पानी का, बिजली, यही सब जो परेशानी है यही सब परेशानी के लिए रहेगा। तो बिजली पानी तो केजरीवाल फ्री दे रहे हैं? बिजली पानी इतना फ्री नहीं आ रहा है जितना समझ रहे हो लोग, उतना नहीं आता। दोनों कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में दोनों अब की बार कौन से प्रत्याशी को आप चुनने जाएंगे? कन्हैया कुमार। अच्छा, मनोज तिवारी तो सीमापुरी है, उसको तो सीमापुरी बोलने से उसको पता भी नहीं है जो सीमापुरी कहाँ है। मतलब उसे अपनी लोकसभा सीट का ही पता नहीं है कि सीमापुरी कहाँ? हाँ, पिछली बार कितने दिन पहले देखा था मनोज तिवारी? पूरा सीमा किसी ने नहीं देखा, पूरा सीमापुरी के अंदर कोई नहीं देखा उसको अंदर। तो लगता है यहाँ पर माहौल किस तरीके का है आपके सामने हम रख रहे हैं धीरे धीरे और वन बाय वन। सर आप तो युवा हैं भाई, युवा हैं आप, जफर भाई वोट डालेंगे अब की बार आप, तो क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा आपके लिए? यही रहेगा हाथ वाला ही। हाथ वाला? हाँ। हाथ वाले को वोट डालने का कारण क्या रहेगा? काम काज को, काम यहाँ हो नहीं रहा कुछ भी। अच्छा, वह काम काज के लिए ही है उसके लिए। क्या काम करते हैं? मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का। अच्छा, तो रोजगार को लेकर अब की बार मुद्दा रहने वाला है? हाँ, रोजगार को लेकर ही है। तो मनोज तिवारी कहते हैं कि मैंने अपने क्षेत्र में, अपनी लोकसभा में 14,500 करोड़ का विकास करा है, तो क्या वो विकास आपके पास नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं करा यहाँ, कुछ नहीं करा। जी जी, यहाँ तो झांकने भी नहीं आया यहाँ पर, तो नहीं यहाँ का किसी ने देखा है, कोई जानता भी नहीं है। जो भी करा है सब कांग्रेस ने करा है यहाँ पर। हाँ, जो भी करा है। तो अब की बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया, आपको पता है? पता है इस चीज को। तो कौन है प्रत्याशी यहाँ से इंडिया गठबंधन? यहाँ से तो समझ लो कांग्रेस ही है जो भी है। अच्छा। कांग्रेस ही जीतेगा, कांग्रेस को हम लोग देते हैं, कांग्रेस को ही देंगे हम लोग। तो कांग्रेस का कैटर वोट यहाँ पर मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पर असली जो जेन्युइन बात है, यहाँ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से, क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद फय्यूम। मुद्दे क्या हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पर विकास किन चीज़ों पर होना था जो नहीं हो पाया अभी तक? विकास तो विकास ही नहीं है यहाँ पे, क्या काम, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। वो तो आते ही नहीं है जो यहाँ के बैठे हुए हैं। अपने कम से कम ये देखो कि बेरोजगारी में पढ़ाई वाले बंदे पढ़े लिखे हुए हैं वो काम कर रहे हैं, ठेली वेली चला रहे हैं,
समझे। और ये का नाम कहते हैं उसका, जो नौकरी होती हैं वो भी ख़त्म है यहाँ तो। यहाँ तो सिर्फ हिंदू मोमडन और ये बस 400 पार और तो कुछ आता ही नहीं उन्हें, कुछ भी नहीं है इधर, समझे भाई। बस इस मारे सब जनताओं ने ये सोच रखा है कि आपको सिर्फ कांग्रेस या गठबंधन सरकार को ही जिताना है। गठबंधन को जिताना है, तो गठबंधन को जिताने के पीछे का कारण क्या रहेगा? कम से कम कारण ये रहेगा, तो कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि बेरोजगार वाले बंदे, काम वाले बंदे का बेरोजगार जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कम से कम नौकरियां तो मिलेंगी, चाहे प्राइवेट मिले या सरकारी मिले या कोई से भी मिले, कम से कम काम तो मिलेगा उन्हें। इधर तो काम ही नहीं है बेचारों को। तो मनोज तिवारी तो कहते हैं मैंने 14,500 करोड़ रुपए का विकास कर दिया अपनी लोकसभा। अपने घर में करा, हमारे घर में नहीं करा है। 14 जो भी कितने भी 14 करे गए सब अपने अपनी पार्टी वालों को और अपने घर में करे हैं। यहाँ कर देते तो आप तो हम ऐसे बात ही नहीं करते जैसे आप उससे बात कर रहे हैं। अच्छा, 400 पार का जो नारा है उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? 400 पार अगर आ गई भाजपा की, मैं तो 1-0 कम कर दो, बस समझ लो वही रहेगा। अच्छा, 40 रहेगा, 400 ही रहेगा, 400 है ना, उसमें से 1-0 कम कर दो, 400 ही रहेगा, 40 रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा उनका। चलिए ठीक है, तो यहाँ की भी प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है। सर हमारे सामने, सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम, मोहम्मद कासिम जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं आपकी बार इस विधानसभा में? मुद्दे स्वास्थ्य और सफाई और बेरोजगारी, और जो आज तक मनोज तिवारी 5 साल में किसी ने यहाँ सिमोपुरी वालों ने देखा नहीं उसको 5 साल के अंदर, क्या मनोज तिवारी कौन है, चेहरा नहीं पहचान पाएंगे वहाँ के सांसद का। मनोज तिवारी ने विकास किया बिल्कुल यहाँ आगे झाँका नहीं 5 साल के अंदर, वोट क्यों देंगे हम जी। हाँ, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी को जिताएंगे और आपका सरकार बनने जा रही है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है हमारा, वो सबके बारे में सोचेगा, नौकरी बेरोजगारी सफाई स्वास्थ्य, तो हम कन्हैया कुमार को ही जिताएंगे आपके। तो डिमांड कोई वादे कन्हैया कुमार से की? कन्हैया कुमार ने सारे वादे कर रखे, बेरोजगारी रोजगार देगा लोगों को, सफाई सुथराई, और क्या नाम है, कांग्रेस सरकार के अंदर आदमी सुकून से जी रहा था, बिल्कुल सुकून से रहेगा कांग्रेस। सर क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, जानना चाहेंगे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर किस तरीके का माहौल है? माहौल तो साहब ऐसा है, देखो यहाँ पे तकरीबन ये गठबंधन हो गया है केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का, बट हमारा वोट अंदर से सही बताएं तो हमारी तरफ से मोदी जी ही आने चाहिए, हम तो बीजेपी की तरफ से ही हैं और बीजेपी ही आनी चाहिए, केजरीवाल ने तो बहुत गंद मचा रखा है। अच्छा सर, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जो यहाँ पर सांसद हैं पिछले 2 बार से, उनके कोई विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? विकास कार्य सर ये काम चल ही रहा है, अभी यहाँ पर रोड पे जाएंगे आप, इधर देखो नाले बन रहे हैं, काम चल रहा है, दिख रहा है काम। नाले तो विधायक के फंड से बन रहे हैं सर। विधायक के फंड, अब ये देखो जो यहाँ का अभी फिलहाल तो बहन प्रीति जी जीती थी लास्ट टाइम, उन्होंने भी काम कराया, वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, बट हम अब की बार हम चाहते हैं कि थोड़ी सरकार बदले दिल्ली की और एक बारी बीजेपी को भी मौका दिया जाए। दिल्ली की सरकार का चुनाव नहीं है, चुनाव देश का है ना, तो बीजेपी चुनाव देश का, और देश में पिछले 10 वर्षों से बीजेपी है, वो तो 10 साल चल रही है, पर बीजेपी ही दिल्ली में भी एक बारी यहाँ पर से भी आनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं, मतलब युवा वोटर बीजेपी चाहते हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी का माहौल इन्होंने बताया सर का, क्या दर्शन लाल क्या लगता है यहाँ पर उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट पर मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, कौन किस पर भारी है? बीजेपी भारी है। बीजेपी के भारी होने का कारण क्या रहेगा? कुछ ऐसे विकास कार्य या कोई ऐसी स्कीम जो मतलब बीजेपी लेकर आई है जनता के लिए? मेन मुद्दा तो सुरक्षा का है, सुरक्षा चाहिए लोगों को। सुरक्षा, किन से सुरक्षा चाहिए आपको? जो दंगा फसाद करते हैं। कौन है वो लोग जो दंगा फसाद करते हैं? बहुत हैं, दिखाई थोड़ी देते हैं। तो सुरक्षा अहम मुद्दा रहने वाला है, तो सुरक्षा को लेकर अब की बार आपका वोट जाएगा जी। तो सुरक्षा कौन आपको सबसे ज़्यादा दे सकता है? मोदी। मोदी तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी अहम बात सामने निकल आ रही है और सुरक्षा का एक अहम मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। सर क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, क्या लगता है आपकी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार जो यहाँ पर एक मोदी क्या कारण है सर मोदी का? मोदी देश का विकास करेगा और कोई नहीं करेगा। अच्छा, बाकी तो सब तोड़ दो फोड़ दो देश को। क्या क्या विकास हो रहे हैं मतलब इस बार?
इंटरनेशनल लेवल देखो आप। क्या देखना है इंटरनेशनल लेवल? हमारी जीडीपी कहाँ से कहाँ जा रही है। हाँ है, हमारी जीडीपी कहाँ पर पहुँच गई। इंडिया का रुतबा देखो, मोदी फ्रंट पे खड़ा होता है, कहाँ इंडिया कहाँ खड़ा होता था। कहाँ होता था खड़ा इंडिया? पीछे बैक लेन में। अभी देखा जा रहा है कि ये जो अभी इंटरनेशनल कुछ मुद्दे हुए हैं यूक्रेन के और रूस के और आपके यूक्रेन से जो छात्र निकले हैं, इंडिया का झंडे की कितनी वैल्यू थी आपने देखा होगा। इंडिया की झंडे की हमेशा वैल्यू रही है। पाकिस्तान के लोग भी इंडिया का झंडा लेकर निकल गए वहां से। चलो तो लगातार हमारा सर्वे उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर चल रहा है, जिसमें हम सीमापुरी विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारा जानने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी को लेकर कौन किस पर भारी हो रहा है। क्योंकि एक तरफ दो बार के सांसद मनोज तिवारी हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार मैदान में उतरे हुए हैं। तो हमारे बीच में भाई कोई शख्स है, क्या नाम है सर आपका? बनीस। क्या लगता है सर अब की बार कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी में कौन किस पर भारी हो सकता है? वो जीते हैं कन्हैया। कन्हैया क्या कारण है कन्हैया के जीतने का सर? बढ़िया उनकी सरकार। अच्छा, इससे पहले मनोज तिवारी दो बार सांसद रहे हैं, उनकी कैसी सरकार थी? बढ़िया रही और बढ़िया अब भी रहेगी भाई। मनोज तिवारी की मैं बात कर रहा हूँ, मनोज जो बीजेपी से दो बार सांसद रहे, वो बिल्कुल बेकार आदमी। अच्छा हाँ, अब ये जीतेगी आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कौन है? हमें सब, ये पूरी जनता पूरी दिल्ली में बहुमत से ही जीतती है। ये थोड़ी कि नहीं कोई मैं अकेले थोड़े जीताता हूँ, पूरी बहुमत से ही जीतती है वो। यानी कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का माहौल आपको बढ़िया जीतेगा भाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर चुनाव चल रहा है, चुनाव पूरी दिल्ली के अंदर सातों सीट पर है। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, सीमापुरी विधानसभा जो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर आती है, तो आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? सर एक तरफा मुकाबला है, कन्हैया कुमार जीत रहे सर। कन्हैया कुमार जी, क्या कारण है कन्हैया कुमार? क्योंकि मनोज तिवारी आखिरी बार 5 साल पहले दिखाई देते हैं, उसके बाद अब दिखाई दिए हैं, वो भी चुनावी कैंपेन में सिर्फ। अच्छा, उसके अलावा बीच में गायब थे, वो गाने बना रहे थे वहाँ पे रिंकिया के पापा। जी, तो यहाँ कहाँ, यहाँ कोई नहीं देगा वोट यहाँ पे उन्हें। तो मतलब माहौल अब की बार कन्हैया के माहौल एक तरफा है सर। अच्छा, आपको भी बताइए तो सबको ही बताया है, एक तरफा माहौल है। जीत रहा है सर, कन्हैया कुमार जीत रहा है और वो भी हो सकता है रिकॉर्ड बना दे इस बार। अच्छा, कितना मतलब क्या लगता है? फुल मेजॉरिटी है इस बार, सातों सीटें तो वैसे भी इंडियन अलायंस को मिल रही हैं, बाकी यहाँ के सीट तो ऐसा लग रहा है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कन्हैया कुमार जो है वो एंटी नेशनल नारे लगाता है इस तरीके। आपने देखी है कोई वीडियो उसकी? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं। मैं आपका क्या मानना है, आपका क्या मानना? आप तो मीडिया वाले हो ना, आपके पास तो प्रूफ होगा ना, आपके पास वीडियो वगैरह भी होंगे। आपने देखी है कोई वीडियो कि जिसमें वो अफजल अंसारी, अफजल कौन है वो, शर्मिंदा है तेरे कातिल, तेरे कातिल जिंदा है और टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब आपने देखी कोई वीडियो उसकी? नहीं, आप की बात है, वो खाली पीली का, खाली भाजपा का काम क्या है, सिर्फ बीजेपी का मिसलीडिंग करना लोगों को, बस और कुछ काम नहीं आता उसे। मतलब कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जाए। हाँ, आपको फाइनली क्या लगता है? फाइनली क्या सर, कन्हैया कुमार यहाँ से तो फुल मेजोरिटी, बहुत अच्छे से जिंदाबाद। तो यहाँ पर माहौल जो है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का नज़र आ रहा है। यहाँ हम एक चाय की दुकान पे थे, आनंद जी से जाना और यहाँ के युवाओं से भी हमने बात करने की कोशिश करी। युवाओं का भी कहना है कि अब की बार यहाँ पर राहुल गांधी की जीत हो सकती है। क्या नाम है भैया? आसाराम। हाँ जी, आसाराम। आसाराम, आसाराम जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार दोनों मैदान में उतरे हुए हैं, क्या लगता है अब की बार कौन जीत सकता है? अब भाई हमारा यहाँ वोट नहीं बस अब। अच्छा, वैसे माहौल क्या लगता है आपको? माहौल तो राहुल गांधी चिल्ला रहे लोग। अच्छा, आधे लोग बीजेपी कह रहे हैं, आधे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, सब यही बोलते हैं। ज्यादातर आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो देखो आएगा तो बीजेपी हर जगह, और राहुल गांधी की जो ये एक लहर बता रहे हैं कि राहुल काली हवा है। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा। आपको नहीं लगता? आप कहाँ के रहने वाले? हम यूपी थे, जानपुर। अच्छा, यूपी के रहने वाले, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो क्या नाम भैया जी? अरशद नाम है। क्या लगता है आपको अब की बार मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार? अब की बार मनोज तिवारी किस चीज़ पर खड़े हैं? मनोज तिवारी बीजेपी से, कन्हैया कुमार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से। भैया गठबंधन ही है। गठबंधन,
गठबंधन के जीतने की आशंका पूरी। भैया आपको पता है इस टाइम पे वो कितनी बेरोजगारी में कितनी परेशानी आई, आपको ये पता है बेरोजगारी मुद्दा होने वाला जी? बेरोजगारी अगर आपके बीजेपी आती है तो आपका पूरा नाश है। अच्छा, पूरा नाश हो जाएगा। कारण आपको दिख रहा है, कारण नोटबंदी में देना कितने पब्लिक पर आप बिहारी लोग कितना भरा पैदल गए अपने घर, जो पूर्वांचली लोग हाँ जी पैदल गए मरे कितने भूखे गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम्हें तो सब पता है, ऐसी बात तो नहीं तुम्हें बताने की जरूरत है भाई। लेकिन वो कहते हैं कि देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं है किसी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। हाँ जी सर, क्या लगता है आपकी बार? आपकी बार हाथ आएगा। कारण क्या रहने वाला हाथ का? नहीं, देश बर्बाद हो गया ना, अब हाथ सही करेगा। अच्छा, देश बर्बाद हो गया, कैसे कैसे लगता आपको देश बर्बाद? बर्बाद ही है यार, काम धंधा रहा नहीं है, बिल्कुल खत्म ही हो गया। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार मैदान में उतरे हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से, और मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी से। तो मनोज तिवारी पर कन्हैया कुमार भारी पड़ेंगे या मनोज तिवारी कन्हैया कुमार पर भारी पड़ेंगे? कन्हैया कुमार मनोज कुमार पर भारी पड़ेंगे। क्या कारण रहने वाला है? कारण तो अब जनता को पता ही लग गया क्या कारण रहने वाला, सब पता लग गया, सब कर ही रहेंगे अब तो काम है नहीं है। अब लोगों को सबको पता लग गया क्या बेरोजगारी हो रही है, और सब तो ऐसी कम तैसी हो ही गई है। मतलब बेरोजगारी एक मेन मुद्दा है। हाँ। बेरोजगारी को लेकर अब की बार यहाँ की जनता चुनाव करने जा रही है। सर, आप तो रिक्शा चलाते हैं पूरे दिन, क्या लगता है आपको किस तरीके का माहौल लगता है? पंजा तो क्या कारण रहेगा पंजे को जिताने का? देखो, हार शीश देश का हमारा जितना शीश है बढ़िया से सारा सब बेच दिया मोदी सरकार है, इसलिए राहुल गांधी को चाहिए देश, हाँ, देश बसाने के लिए। अच्छा, तो देश को, लेकिन वो कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में है देश, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं। देखो, हर चीज कोई भी सारा चीज महंगा हो गया, कोई भी चीज सस्ता नहीं है, सारा चीज महंगा कर दिया। अच्छा, हर चीज की एक महंगा कर दिया, कोई भी चीज हो तो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा होगा। हाँ। अच्छा। तो इसलिए पांजा हाथ राहुल गांधी को चाहिए। हाँ। तो बेरोजगारी और महंगाई भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। और हमने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा के कई जगह से, कई वार्ड से एक सर्वे, एक समीकरण आपके सामने रखा और जनता का भी ओपिनियन जानने का प्रयास किया। किस्सा कुर्सी के में अभी फ़िलहाल इतना ही। कल हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की पूरी लोकसभा सीट पर, हर विधानसभा और वार्ड के अंदर जाकर पूरी की पूरी लोकसभा सीट का एक समीकरण करेंगे, विश्लेषण करेंगे और अपने दर्शकों के सामने रखेंगे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता आखिर किसको अपना मत अधिकार देकर सदन में भेजने जा रही है। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए किस्सा कुर्सी का, मोहम्मद गुलफाम के साथ।